हेलो हाँ गल्डी मम्मा हाँ जी मम्मा, नेक्स्ट रेसिपी केड़ी वेखनी है यूट्यूब नहीं गल्डी दे? मैं देखना चाहनी है मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, क्यों? हुन तां रेस्टोरेंट खोल के हुन की करनी है मिक्स वेजिटेबल बना के? अच्छा, नहीं रेस्टोरेंट से अलग स्वाद अंदर कर देंगे गल। ओके मम्मा, हाँ आई लाइक एंड आई लाइक यू मम्मा, बाय। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। आज की रेसिपी जो है वो माता जी की डिमांड पे है, ठीक है? पता नहीं क्यों क्यों सारी मम्मियों को मिक्स वेज इतनी अच्छी लगती है ना। एक तो सारी सब्जी यूज हो जाती है घर की, दूसरा ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट वाला फील आया है ना। बना लेते हैं फिर, मम्मा ने बोला। अब तो कॉलिंग एंड एक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हम लोग सजा के रखते हैं ना सामने हर फूड शो में, ये टोकरी ये कभी काम नहीं आती। आज मम्मा की बदौलत काम आ जाएगी। आज सारी इसी टोकरी में से बनेगी सब्जी। कौन सी वाली मिक्स वेज बनाए? मक्खन वाला, ठीक है जी। जैसे मम्मी ने कहा रेस्टोरेंट वाली, रेस्टोरेंट वाली होती है, घर वाली जैसा बताओ कुछ। तो घर वाली वो जिसमें कि झंझट कम हो, टेस्ट ज़्यादा हो, हैं? और बार बार चार छः तड़के ना बनाने हों, चार छः मसाले ना डालने हों, तो वो वाली बनाते हैं। सबसे पहले ग्रेवी, ग्रेवी के लिए टमाटर, बहुत ही एकदम सुपर शॉर्टकट टाइप की है ये। फिर भी एडिटर जो है वो 10 मिनट का वीडियो बना देगा, बताओ मेरी क्या गलती है इसमें, ठीक है जी। चार टमाटर, एक और दो दो प्याज। अब क्या डालें इसमें? मसाले, फटाफट वाला काम करना है। एक बार में पेस्ट बनाएंगे, ग्रेवी का मामला तैयार, फिर सब्जियां काटेंगे, मक्खन में पकाएंगे, बन गया मक्खन वाला। बस बंद कर दो वीडियो। फिर ऑयल, थोड़ा सा ऑयल मतलब एक चम्मच, पानी और एक कप दही। ये लो जी, इसको बोलते हैं एक साथ ग्रेवी का काम तमाम। और ये 8-10 काजू। मतलब मम्मा को फ़ोन करने का मकसद ये था कि ये डिश जो है वो सारी मम्मियों के लिए थी। जो एक मम्मी की फीलिंग है फिर सारी मम्मियों की फीलिंग होगी ना। अब इसका बनाते हैं एकदम बारीक फाइन पेस्ट, ठीक है? अगर आप छानना चाहें तो भी आपकी श्रद्धा है, नहीं छानना चाहें तो भी आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा आपकी है जी, हमारी सिर्फ ग्रेवी है भाई। मिक्स वेज का मतलब गाजर, गोभी और बीन्स, ये तो है कंपलसरी, और आगे फिर आपकी श्रद्धा है। मम्मी ऐसे बोल रही हैं, गोल्डी ताज़ी सब्जियां होती हैं, ये होता है वो होता है। फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूला होता है मम्मियों का कि सारी सब्जियां जो बची हैं उनको टेस्टी सा बना के निकाल दो और सब खुश भी हो जाएंगे, एकदम रेस्टोरेंट जैसी सब्जी बनी है। और ये जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है? लेकिन अगर थोड़ा पनीर बढ़ा है तो डाल लें, मतलब पनीर की वैल्यू तो फिर मतलब सब्जी की वैल्यू बढ़ा देता है ना पनीर। मिक्स वेज में अगर घर पे थोड़ा सा पनीर चला जाए सब्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। नाइस, तो ये जी पेस्ट बन गया है, हैं? अब इस पेस्ट का हमने क्या करना है? अब इस पेस्ट को हमने पकाना है। ये बन जाएगी हमारी ग्रेवी। हो गया ना फटाफट, झटपट फटाफट सब हो गया। देखिए अब वेज मक्खन वाला है तो फिर वेज मक्खन वाला बनाने के लिए आपको चाहिए मक्खन ढेर सारा। तो इसलिए सबसे पहले गया जी मक्खन। मक्खन के बाद जाएगी इसमें हल्की सी हींग, देगी मिर्च। आ गया ना ब्यूटीफुल कलर फिर, है? देगी मिर्च की तो बस यही मोनोपोली है ना रंग। अब ये याद रखिए कि मक्खन तो आपने डाल दिया लेकिन मक्खन हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी तेल डाला हुआ है। ये जो हमने पेस्ट बनाया ना ग्रेवी का, उसके अंदर तेल है तो बाद में वो भी तेल छोड़ेगा, आपका मक्खन भी अलग हो जाएगा, तो फिर तेल हो जाएगा ज़्यादा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। या यहाँ मक्खन ठोक के या वहाँ तेल कम, वन ऑफ द टू। ब्यूटिफुल। अभी देखिए इसको वक्त लगेगा, ठीक है? पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें सब कच्चा है, प्याज भी कच्चा है, टमाटर भी कच्चा है, मसाले भी कच्चे हैं, दही भी कच्चा है, तो इसको लगेगा वक्त, ठीक है? अब कम से कम 10 मिनट तो इसको भूलना है। हाँ, 10 मिनट तक इसको बिल्कुल याद नहीं किया जाएगा क्योंकि सब जो
रॉनेस है, अनियन की, टमाटर की, ये वो सब निकलेगी। 10 मिनट बाद इसकी शक्ल देखी जाएगी, अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी डाला जाएगा और भूना जाएगा, और भूनते 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 15-20 मिनट में एक ग्रेवी रेडी होगी। यानी कि हमारे पास वक्त है क्या करने का, सब्जी पकाने का। ठीक, हेलो जी, सब्जी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सब्जी के लिए इम्पॉर्टेंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब जो सब्जी ज़्यादा वक्त लेती है पकने के लिए वो पहले जाएगी, जो कम वक्त लेती है वो बाद में जाएगी। ठीक है, कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस। अब 80% लोग सब्जी उबाल के ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं, बोलते हैं हो गया मिक्स वेज मक्खन वाला। मतलब अगर मौका है, अपॉर्चुनिटी है, दस्तूर है, सब कुछ है, तो फिर सब्जी पकाओ ना अच्छे से, थोड़ा बटर में उसको राड़ो, राड़ो मतलब भूनो, है ना, वो पंजाबी निकल आती है बीच में। लोग बोलते हैं रणवीर आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, इंग्लिश कितनी अच्छी, पंजाबी कितनी अच्छी, नहीं नहीं पता कि अच्छा कुछ भी नहीं है, जब एक ख़त्म हो जाती है दूसरी का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। गाजर और बटर, एक्चुअली मटर और बटर भी अच्छा जाता है, गाजर बटर तो जाता ही जाता है, गोभी और बटर भी अच्छा जाता है, बटर सबके साथ ही जाता है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, बटर सबके साथ जाता है जी। थोड़ा पानी, अब लगा दिया ढक्कन। दस मिनट हो गए ना, इसलिए इसको धीरे धीरे चला लेते हैं, क्यों, ताकि थिकनेस का आइडिया लग जाए, अभी तो बहुत दूर जाना है इसको, सब कुछ कच्चा कच्चा है। अब इसको खोल के पकाएंगे, खोल के क्यों, जब आप ढक के पकाते हैं तो चीज़ उबलती है, भाप में पकती है ना, लेकिन जब आप खोल के पकाते हैं तो चीज़ भुनती है, घी में पकती है, इसीलिए कब खोलना है ढक्कन और कब ढक्कन लगाना है बड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा ना, तो सारे बेसिक्स। गाजर की हालत देख लें, नाइस। अभी थोड़ा नमक, हालांकि बटर में नमक है लेकिन इनफ नहीं है ना, नमक हो गया और गोभी, नाइस। जब तक ग्रेवी तेल नहीं छोड़ेगी तब तक ग्रेवी रेडी नहीं है, और जैसे ही इसकी हार्शनेस ख़त्म होगी वैसे इसके अंदर वो मिठास आएगी, तो आप अपने आप समझ जाएंगे, हाँ भाई अब ग्रेवी मीठी हो रही है, हार्शनेस ख़त्म हो रही है, मसालों की खुशबू आ रही है, तेल छूट रहा है, तो ग्रेवी रेडी है। ये देखो जी, यहाँ तक कम से कम लेके आना है अपनी ग्रेवी को, हाँ, इसलिए पानी जितना आप डालना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। ग्रेवी ऐसे फटनी चाहिए, हम लोग बोलते हैं टेक्निकली घी अलग होना चाहिए, जब तक घी अलग नहीं होगा जैसे अभी हो गया है तब तक आप ग्रेवी के साथ कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारी गोभी पक गई, बस अब ये लास्ट टचेज हैं मेरे को, आप समझ लीजिए कि ग्रेवी को बंद करके और खोल के चलाते चलाते हो गए हैं 20 मिनट। जल्दी जल्दी कर देंगे ना, आपको लगेगा हो गया, तो फिर आप बनाने जाएंगे वेज मक्खन वाला, बन जाएगा कच्चा पक्का मक्खन वाला, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था, अच्छा खाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्र का मुरीद, गुड कुकिंग इज़ द डिसाइपल ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, नाइस। अब पानी डालने का वक्त आ गया है, अब ग्रेवी देखिए, ग्रेवी की धार देखिए, देखिए रंग से ऑब्सेस मत होइएगा। टमाटर कई बार क्या होता है कि ज़्यादा खट्टे होते हैं, टमाटर एक कम डाल दीजिएगा, रंग उतना अच्छा नहीं आएगा तो देगी मिर्च से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर खट्टी हो गई ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वाह, ग्रेवी देखिए, ग्रेवी की धार देखिए, सब्जी देखिए, सब्जी की चमक देखिए, मक्खन की खुशबू देखिए, बस देखते ही रहिए आप। और ये लास्ट में पनीर, पनीर ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिएगा। अभी ग्रेवी को फिनिश करने के लिए थोड़ा सा हनी, केचप ही बनाने के लिए, हाँ केचपीनेस बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल स्लो गैस पे। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है फिनिश होने के लिए, ठीक है। और इसका लास्ट का जो जो इसकी एक्चुअल मोनोपोली है जो मैं लास्ट तक रखी थी ताकि आप पहले वीडियो स्किप ना करें, वो कर लेते हैं अभी।
ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। ये लास्ट का जो हनी है और ये जो हमने डाला है अपना प्रोग्राम तड़के का। ओहो देखो जी, मक्खन का मक्खन, खटमिट पने का खटमिट पना, सब्जी का टेक्सचर, सब्जी का टेक्सचर, मम्मा की फरमाइश भी पूरी हो गई, लगे हाथ। ठीक है, फोटो वोटो आप लोग खींच लो, बाद में मैं डब्बा बांध के घर ले जा रहा हूँ। मम्मी को सिर्फ रेसिपी नहीं दिखानी ना, फिर खाना भी खिलाएंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू। और अपनी मम्मा से पूछे उनको क्या देखना है और फिर बताइए नीचे कॉमेंट्स में। ऐसा ही करते हैं, फिर मम्मा की रेसिपी बनाते हैं। अब सारी मम्माओं की फरमाइशें पूरी करेंगे हम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छी सी फोटो खींचना, बाद में मेरे को वापस कर देना भाई, सुरेंद्र कौर को खिलानी है।